हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो गाइस, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। गाइस, हम आपको डेली मॉर्निंग में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देते हैं। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये वे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज से आप लोगों को एक नया काम करना है कि आप लोग अगर डेली इस क्लास को सुबह में लेते हो तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कब क्लास को लेते हो, आप डेली लेते हो कि नहीं लेते हो। मैं सभी का नाम प्रेजेंट सर में देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। आपको करना क्या है, अगर ये सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं आता तो अपनी कापी पे लिख कर इसे याद कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्यों लिखना, क्योंकि लिखने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, देखिए एक मिनट, सभी लोग अगर जिनको भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करनी है, लाइव क्लासेस के साथ में हमारे साथ पढ़ना है, आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने क्लास 11th नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, क्लास 12th में आपका 90+ आएगा अगर मेहनत करोगे, तब नहीं करोगे तो नहीं आएगा, वही हाल हो जाएगा जो क्लास 10th क्लास 11th में हो गया था, फिर पछताओगे समय निकलने के बाद। अभी भी समय है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस शिखर बैच को। इस शिखर बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस दी जा रही है, लाइव क्लासेस का पीडीएफ नोट दिया जा रहा है। लाइव क्लासेस जो होती है वो लाइव डाउट क्लासेस होती है, यानी क्लास में अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है, और हैंड ड्राइव चेयर के भी पूछ सकते हो। और क्लास पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको वहां पे डीपीपी होते हैं, प्रैक्टिस सेट अलग से होते हैं। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करने की जरूरत है, डेली क्लास में आना और मेहनत से पढ़ाई करना। ऑनलाइन टेस्ट आपका सैटरडे के दिन होता है, जो भी आपको पढ़ाया लिखा जाता है उसका सैटरडे के दिन टेस्ट लिया जाता है, फिर देखा जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है और किस तरह से चल रही है। मेमोरी चार्ट आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी चैप्टर कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपको सभी सब्जेक्ट का अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे मिल रहा है। आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिया गया नंबर है 9305771375 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है आप कॉल करो तो आपका कॉल रिसीव ना हो एक बार में, तो आपको कॉल करते रहना, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशंस होती हैं, हजारों कॉल डेली आती हैं, मैं सभी का रिसीव नहीं कर पाता हूं, इसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, आप कॉल करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपकी बात होगी। और आप इस सब्सक्रिप्शन को लेकर मेहनत से तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपका अच्छा परसेंटेज आएगा। आप ऑफलाइन जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी पढ़िए, ऑफलाइन भी पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि किसी परमाणु धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सभी के निम्नलिखित जो धातु है उसके संकुलन क्षमता की गणना करना है। देखो, संकुलन क्षमता कैसे गणना किया जाता है, संकुलन क्षमता जिसको भी आ रहा भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। हालांकि मैं इसको शिखर बैच में जो पढ़ा रहा था मैं ट्रिक के साथ पढ़ाया था। देखिए, संकुलन क्षमता की गणना करने के लिए आपको एक परमाणु का आयतन लिखते हैं ऊपर, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन लिखते हैं अपान, एक परमाणु का आयतन लिखते हैं अपान, क्या कहते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन लिखते हैं, एकक कोष्ठिका का आयतन, इनटू 100। इस तरह से करेंगे तो आपका क्या संकुलन क्षमता आ जाता है। रहेगी बात इसकी गणना करने की बात, तो मैं गणना कराया भी हूं और डेरिवेशन की क्लास में हम करा भी देंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको मैं डायरेक्ट इसका संकुलन क्षमता बता देना चाहता हूं, देखिए अगर यस्सी की बात करें, यस्सी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यानी सरल घनी को हम लोग यस्सी कहते हैं, सरल घनी, ये अगर संकुलन क्षमता की बात करें जिसको भी आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 52% होता है। अंतः केंद्रित घनी को, अंतः केंद्रित घनी, अंतः घनी, इसकी अगर संकुलन क्षमता जिसको हम लोग कोड में लिखते हैं बीसीसी, ठीक है, इसकी संकुलन क्षमता की बात करें तो 68% होता है। देखो अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगर इसी तरह से एफसीसी फलक केंद्रित पूछा है, फलक कोष्ठिका इसका पूछा है एफसीसी का, तो इसकी संकुलन क्षमता क्या होता है 74% होता है। कैसे याद रखोगे, देखो 52 में देखो यहाँ पे यस है, ये यस है आपका, इसी तरह से ये भी यस है, यहाँ पे सर से सरल है, मतलब तीनों यस यस मिला तो 52% इसका होगा, और इसमें कहीं पे भी यस नहीं है।
बीसीसी की बात कर लेते हैं अंतर केंद्रित में। देखो यहाँ पे बी एक तरह से आठ की तरह लग रहा है ना, इस तरह से आठ की तरह है ना बी, इसलिए बीसीसी में 68% होता है। बाकी जो बचता है एफसीसी, एफसीसी में देखो आप यफ ऐसे लिखते हो ना, ठीक है, तो आप सेवन भी ऐसे लिखते हो, तो यह पाओ सेवन एक टाइप का लग रहा, तो 70% आपका, 74% आपका क्या एफसीसी में होता है। तो इन दिनों को याद रखना, एग्जाम में पूछता है बहुत बार, ठीक है, तीनों को याद रखना, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा है, देखो आपको रिवीजन के लिए इससे बढ़िया कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। आप डेली पढ़ो, आप देखो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही डिस्कस करते हैं। दूसरी बात यह कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आपको एक ही साथ नहीं करा देते हैं, तो दो चार चार पांच पांच कराते हैं, बाद में कभी कभी रिवीजन भी कराते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको लंबे समय तक याद रहेगी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक घनी जालक ए और बी से, बी के तत्वों से मिलकर बना है, ए परमाणु घन के कोने पर, बी फलक के केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। ए कहां पे है, घन के कोने पर है, ए परमाणु घन के कोने पर है, यानी घन में कोनों की संख्या कितनी होती है, आठ होती है, और कोनों के लिए आपको पता होना चाहिए आठ क्या होती है, कोनों की संख्या होती है, मतलब ए की संख्या कितना होगी, आठ हो जाएगी। बी कहां पे, घन के फलक, जब बी आपके घन के फलक पे, तो फलकों की संख्या कितनी होती है, छह फलक होती है, तो छह आपके क्या फलकों की संख्या है। देखो अब आप देखो, आपको अगर सूत्र निकालना होता है तो क्या करते हो, अगर ए परमाणु की संख्या ज्ञात करना होगा तो क्या करोगे, कोनों में आपको कोने में परमाणु संख्या उसमें एक बटे आठ का गुणा किया जाता है, ये किया जाता है ना, तो ए की परमाणु संख्या कितना हो जाएगी, ए की संख्या कितना हो जाएगी, देखो कोने कितने, आठ कोने हैं, तो आठ में एक बटे आठ का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन आएगा, ये एक परमाणु आपके घन के, मतलब ए एक आपका क्या हो जाएगी, ए की संख्या एक हो जाएगी। बी की संख्या ज्ञात करते हैं, बी की संख्या ज्ञात करते हैं, आओ ठीक है, ए की संख्या, बी की संख्या ज्ञात करते हैं, बी की संख्या कितनी होगी यह आपको ज्ञात करना है, तो बी के कहां पे, फलक पर, अब फलक पर कितने परमाणु, छह हैं, और बी की एक फलक का कितना योगदान, एक बटे दो का योगदान होता है, मैंने बताया था फलक में एक बटे दो का गुणा किया जाता है, कोने में एक बटे आठ का गुणा किया जाता है, केंद्र पर हो तो एक का गुणा किया जाता है, क्यों किया जाता है, मैंने शिखर बैच में अच्छे से बताया था, तो ये दो से दो कट जाएगा, तीन हो जाएगा, यानी बी की संख्या तीन, ए की संख्या एक, इसको फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी थ्री हो जाएगा, फार्मूला क्या, ए बी थ्री हो जाएगा। कर लिए आप सभी लोग, बताओ कर लिए, नोट कर लो सभी लोग, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या, मोलर मोलरता उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देना सभी लोग, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस ताप पर विलयन की मोलरता कहलाती है, परिभाषा क्या होता है बताओ, आप लोग तो पढ़ चुके हो ना चैप्टर टू, बताओ, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में घुले विलेय की मोलों, किसी विलयन के प्रति लीटर, किसी विलयन में घुले, देखो किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर क्या, प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर का मतलब एक लीटर विलयन में, विलयन में घुले मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस ताप पर, ताप पर विलयन की मोलरता कहलाती है, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर
बिलियन में प्रति लीटर, लीटर यहां पर होगा, लीटर यहां पे लीटर होगा, प्रति लीटर, प्रति बिलियन नहीं होगा, प्रति लीटर बिलियन में, बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोल, मोल अपान विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, ठीक है। ये होता है मोलरता इज इक्वल टू फार्मूला। इसको मैंने आपको निकालने भी बताया, क्वेश्चन भी बताया, नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत होना, मैं फिर से बता देता हूं। किसी निश्चित ताप पे प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता इज इक्वल क्या, विलेय के मोल अपान विलयन की आयतन होता है, विलेय के मोल अपान विलयन की आयतन होता है मोलरता इज इक्वल टू। लिख लो सभी लोग। और पूछा है कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, अगर किसी, यदि ध्यान देना, यदि किसी विलयन की मोलरता जो है 0.4 एम है तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक लीटर विलयन में, विलयन में 0.4 मोल क्या घुला हो, 0.4 मोल विलेय घुला है, विलेय घुला है, यह आपका विलयन की मतलब एक एग्जांपल हो गया। किसी विलयन की 0.4 एम मोलरता है, जिसका मतलब एक लीटर विलयन में 0.4 एम या 0.4 मोल क्या, विलेय घुला हुआ है, इसका यही मतलब होगा, ठीक है। बताओ हो गया, चले अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखना सभी लोग, यह है अगला क्वेश्चन कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं। यह अगला क्वेश्चन है कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं, बताइएगा मोल अंश से आप क्या समझते हैं। मोल अंश से आप क्या समझते हैं, देखो मोल अंश किसे कहा जाता है, एक विलयन के किसी घटक विशेष का मोल उस विलयन का क्या कहलाता है, मोल अंश या मोलों की संख्या कहलाता है। किसी भी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाव उस विलयन में मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं किसी, मैं अभी नहीं समझ में आ रहा, ध्यान देना, जैसे आपके अगर आपका कभी भी मोल निकालना हो, आपके द्रव्यमान का मोल निकालना हो, तो आपकी क्लास में मान लीजिए 20 लड़के हैं, ठीक है, और सबका वेट जो है, मान लीजिए किसी का सबका वेट 60 किलो है, आपका 70 किलो है, या आपका भी 60 किलो है, ठीक है, और ये कितने 20 है, तो 20। अगर आपका मोल प्रभाव निकालना होगा तो सबसे पहले आपका 60 रखेंगे अपान सबका लिखेंगे, 60 × 20 लिखेंगे, सबका मोल लिख देंगे, बस वही मोल प्रभाव आ जाए। मतलब किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक का मोल तथा पूरे विलयन के मोल मोलों के अनुपात के बराबर होता है, यही इसका डिफिनेशन होगा। बात समझ में आ रही है, चलो मैं लिखवाता हूं डिफिनेशन, डिफिनेशन ही पूछा है, ये सभी चीजें आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। किसी विलयन मोल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है, उस विलयन में किसी विलयन में, एक मिनट यहाँ पे घटक विशेष का, किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज क्या होता है, उस घटक का मोल, उस घटक का मोल, उस घटक का मोल तथा विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित
सभी घटकों के मूल के अनुपात बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है डिफ्यूजन? किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक का मोल तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के जो अनुपात के बराबर होता है। जैसे आपके अगर लिखना हो, इसे सबसे पहले समझना, इसे जो है हम लोग इसे काईम से काई से प्रदर्शित करते हैं, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। काई इक्वल टू क्या होगा? किसी घटक विशेष घटक के मोल की संख्या, घटक के मोल की संख्या संख्या अपान घटक के मोलों की मोल की संख्या अपान विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोल संख्या, किसी घटक के मोल अपान विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ये क्या कहलाता है? विलयन की मोल प्रभाज कहलाता है। समझे? बताओ, यानी घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? विलयन की मोल प्रभाज कहते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को तैयार भी हो गए होंगे। बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और जिसको भी ज्वाइन करना है आप सभी लोग शिखर बैच ज्वाइन कर लीजिए। इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं, समय निकल जाएगा, फिर पछतावा होगी। बहुत ही मिनिमम फीस में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चीजों को पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय माँ सरस्वती। पूरे दिन अच्छे से मेहनत करना। विश यू हैप्पी डे। ठीक है।